हम लोगों ने तो कोटा में ट्रेन का पैसा जमा करा दिया सारे। आज भी दिल्ली के मजदूरों का ट्रेन भाड़ा तैयार है मेरा। अब पूरे देश में अभी तक ऊंट के मुंह में जीरा का फौरन 5 ट्रेन मात्र बिहार जाने की अभी तक रास्ते खुले। कोरोना वायरस से भी बड़ा वायरस है और सुशील मोदी उससे भी बड़ा वायरस है। रैली के लिए पैसे होंगे, रैली के लिए 400 बस आएगा, बिहार के गरीब के लिए नहीं। पप्पू यादव जी जितना सुशील मोदी जी का वजन होगा ना जी, उतना हम नाप लीजिए, तौल लीजिए, उतना हम सवा महीने में बाय अकाउंट पेमेंट भेजें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटी, मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। अब मजदूरों के किराया को लेकर के राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि अगर कोई भी केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार अगर मजदूरों से किराया वसूली कर रही है तो इसके लिए कांग्रेस उन मजदूरों को किराया भरने में सक्षम है। उन्होंने यहाँ तक आरोप लगाया कि सरकार विदेशों से लोगों को फ्री में लेकर आती है और मजदूर से किराया लेकर के घर पहुँचा रही है। हमारे साथ है पप्पू यादव, इनसे सीधे जानेंगे कि क्या केंद्र सरकार या राज्य सरकार सक्षम नहीं है। सर, जिस तरह से सोनिया गांधी ने एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया है कि जो लोग विदेश जा रहे हैं उन्हें फ्री में लाया जा रहा है और जो मजदूर देश के अन्य भाग में फंसे हुए हैं उन्हें पैसा लेकर के घर पहुंचाया जा रहा है, सवाल तो कई दिनों से उठ रहा है और हमने इस बात को सबसे पहले ट्वीट किया था जी। कांग्रेस ने भी बहुत पहले इस बात को कही थी जी। राहुल गांधी जी लगातार इस बात पर चर्चा करते रहे। मैं धन्यवाद दूंगा सोनिया जी को जी, जिन्होंने भारत के 80% मजदूर और गरीबों के मुस्कुराहट के लिए एक आवाज़ बनी जी। लगातार इसके पहले भी मैंने कोटा में बस भेजे जी, लगातार सवा महीने से हमारे सारे लोग सभी जगह खाना की व्यवस्था बाय अकाउंट 12-13 हज़ार अकाउंट में हम लोगों ने पेमेंट भेजी जी। और लगातार हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, हमारे छात्र इसके लिए जेल गए जी, कोटा के छात्रों की आवाज़ थी। सही उन्होंने कहा कि आप जो कोरोना वायरस लाया ये जमातियों के कारण नहीं बढ़ी, अच्छा ये बारातियों के कारण, जो ट्रंप के साथ जो बाराती आए थे ना, अच्छा जहाँ जनता का पैसे का 100 करोड़ रुपया आप खर्च किए खाने और उसके स्वागत पे, और रेलवे का 150 करोड़ रुपया आपने प्राइम मिनिस्टर फंड में डलवा लिया, तो अब रेलवे का पैसा प्राइम मिनिस्टर नए फंड में जाए, हर विभाग का पैसा प्राइम मिनिस्टर फंड में जाए और जनता के लिए अनाज खाना पानी ना मिले, 80-90% जनता के घर में राशन समाप्त हो गया जी, आप ट्रेन रोक करके पैसा वसूलते हो, 1.5 गुना वसूली कर रहे हो खाना का भी प्लिन, तो ये हरियाली यात्रा 20,000 करोड़ का नीतीश कुमार जी, और मानव श्रृंखला में 20-20 करोड़ का 6,650 ट्रेन लगेगी और अभी 3,600 से ऊपर ट्रेन लगेगी जी। अब पूरे देश में अभी तक ऊंट के मुंह में जीरा का फौरन 5 ट्रेन मात्र बिहार जाने की अभी तक रास्ते खुले। बम्बई, पंजाब, दिल्ली पर कोई चर्चा नहीं करता जी। दिल्ली भूख से तड़प रहा है, दिल्ली मौत से तड़प रहा है, महाराष्ट्र की आप चर्चा नहीं करते। सबसे ज्यादा परेशान कलकत्ता में है और सबसे ज्यादा परेशान दिल्ली में। अरविंद केजरीवाल ने भी कहा है कि मैं पैसा दूंगा जी। तो जब अरविंद केजरीवाल खुद कह रहे हैं पेमेंट देंगे और कांग्रेस ने यह तय कर लिया कि मुझे मजदूरों को पहुंचाना है, फिजूल खर्ची के लिए आपके पास पैसे, आप हमें एक बात बताओ ना जी, कल जो फूल गिरा है अच्छा। क्यों तो जब लोग बढ़ाने के लिए, अरे यार भूख से लोग परेशान जी, सेना की मौत हो रही है जी, बॉर्डर पर सेना मारे जा रहे हैं, पहली बार 10 सेना मारे गए तो आप ताली बजा दिए, दूसरी बार सेना 5 मारे गए तो आप दीप जला दिए, और तीसरी बार जनरल और कमांडेंट मारे गए तो आपने फूल गिरा दिया। सेना का काम यही है क्या? आप मिडिल कर्मचारियों का पैसा आप कटौती काट रहे हैं उसके जी। और उसके पैसे को भी आप काट रहे हैं जो सेवा कर रहा है। भैया आज पूरे देश का जो गरीब है जी, आज वो रियल में कोरोना वायरस से प्रभावित है, वो वॉरियर है जिन्होंने देश की एकता और इंसानियत के लिए
भूखे नंगे गाली लाठी सुनकर जी। आज बंद है। आज जो आप मधुशाला खोल दिए और लॉकडाउन का कोई पालन नहीं हो रहा है, पूरा का पूरा भीड़ लगी हुई है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे नहीं खुलेंगे। रेवेन्यू तीसरे बार प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं आए भाई, मेरा सवाल है। दो बार तो आप आए जी। तब तक आपको कोरोना वायरस की चिंता बहुत सता रही थी, जब मजदूर मर रहा था, गरीब और छात्र परेशान थे, तब आपने कहा कि नहीं आपको साथ देना पड़ेगा, चाहे मर के जाइए, मौत ज़्यादा उनको मजदूरों का पसंद है। जब सरकार की इकोनॉमी बर्बाद हुई जी। तो अरविंद जी कहते हैं कि हमको अप्रैल में 350 करोड़ मात्र में आया टैक्स, 3500 करोड़ अप्रैल में आता था, हम तनख्वाह क्या देंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि GST का पैसा नहीं दे रहा है, सारे मुख्यमंत्री रो रहे हैं। तो जरा मुझे आप सवाल करिए, मुझे बताइए कि कौन सा ये लॉकडाउन, आप इस जो काम आपको पहले करना चाहिए जी। पहले जनता को कह देना चाहिए था कि जाइए अपने अपने घर जाए जी। तो ये सवाल सबसे बड़ा है सर। जिस तरह से बिहार में भी विपक्ष एक्टिव नजर आ रहा है, तेजस्वी यादव ने शुरू में बस के लिए बात की कि 2000 बस लगाएंगे, अब उन्होंने 50 रेल का किराया देने की बात की, लेकिन उप मुख्यमंत्री ये तक बोल दिए कि ये सब बड़े बोलेपन है, कुछ करते नहीं है, सिर्फ बोलते हैं। थोड़ा आप भी अपना इलाज जोड़ी है। सुशील मोदी हाफ पैंट पहन के कैसे भागा और 30 साल बिहार की दुर्दशा क्या की जी। पहले तो सुशील मोदी हेल्थ का क्या स्थिति है, न्याय की क्या स्थिति है, कितना इन लोगों ने घोटाला किया, कितना इन लोगों ने लूटा है जी, ये महापाप कितने किए हैं, ये अपनी बात अब करें, 15 साल पुरानी बात ना करें। विपक्ष वनवास में देखिए, मैं इस सरकार के बारे में इतने कह सकता हूँ जी, ये कोरोना वायरस से भी बड़ा वायरस है और सुशील मोदी उससे भी बड़ा वायरस है जी, दुनिया का महाभारत है। इसकी पूरी राजनीति और जिंदगी लालू यादव और उनके खानदान पर टिकी। अरे दादा वो तो कभी नहीं दिया जी। हजारों करोड़ रुपये केस चल रहे हैं, 8,000-10,000 करोड़ रुपये, ना दिया ना देंगे, लेने की प्रवृत्ति रही है सब नेताओं की। बिहार मस्त है जी। सिर्फ रैली के लिए, रथ के लिए करोड़ों रुपये होंगे जी। रैली के लिए पैसे होंगे, रैली के लिए 400 बस आएगा, बिहार के गरीब के लिए नहीं। उन्होंने कह के नहीं दिया 2000 बस, ये नेताओं की फितूर है, मुंह है मतलब। लेकिन पप्पू यादव जी, जितना सुशील मोदी जी का वजन होगा ना जी, उतना हम नाप लीजिए, तौल लीजिए, उतना हम 1.25 महीने में बाय अकाउंट पेमेंट भेजे हैं। सुशील मोदी को मैं चुनौती देता हूँ कि पप्पू यादव से बात करो, तेजस्वी यादव से नहीं, उनसे बात ना करो, जो लॉस्ट, जो भूल चुके, जो 15 साल पहले जी। अब आप अपनी बात करो, जो महापाप आप हो ना जी, आप उस पाप को महापाप बन गए, वो पाप था तो आप महापाप हो, वो खड्डा था तो आप खाई हो जी। समझ गए, मानते हैं कि विपक्ष तो में मैं है। भैया विपक्ष का तो छोड़ दिए, कोई है क्या, कहाँ है, कौन घर में, सही 2000 बस कहाँ गए, कौन घर में हो, कहाँ हो। हम लोगों ने तो कोटा में ट्रेन का पैसा जमा करा दिया सारे जी, कोई सरकार दी क्या, कोचिंग के सारे लोगों से बात कर, उसका पूरा वीडियो, सारे पैसे स्टूडेंट के जमा कराए। और आज भी दिल्ली के मजदूरों का ट्रेन भाड़ा तैयार है मेरा पूरा, क्या भाड़ा भेजते कहाँ है सर, मुख्यमंत्री के पास या सीधे कौन, DCM अच्छा। DCM रेलवे के पास जी, वहाँ भी रेलवे के पास, चेक भी बस एसोसिएशन के पास, 48 लाख का जी, और बाय अकाउंट में गए। तो ये नेताओं, सुशील मोदी जी, ये सूखे पैर पर पत्थर मत मारो, समझ गए बबूल, ये लोग पत्थर मारना है तो पप्पू यादव पे मारो, बिहार का नाशक है जी, नहीं समझे। गोबर
पर घी डालने से क्या होगा, किसका महक आएगा? ये नेता लोग गोबर से भी बदतर हैं, गोबर तो बोरसी में भी काम आता है। मतलब आप मानते हैं सर कि तेजस्वी यादव से ज्यादा मजबूत स्थिति में पप्पू यादव है, इसलिए सुशील कुमार मोदी पप्पू यादव कुछ हम कहे का मजबूत है भाई, हमारी औकात तो बहुत छोटी है। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगवा तेली, कहाँ राजा हाथ, लालू जी का परिवार राजा और हम गंगवा तेली, हम एक मजदूर, हमारी औकात कहाँ लालू जी के परिवार के सामने। लेकिन जिनका नेचर ही लेने का हो, देने का प्रवृत्ति कहाँ से होगा, सिर्फ राजनीति करना है हर चीजों में, तो है कहाँ। सवा महीना से जनता से मिले, कहीं गए, वो तो दुनिया जान रही है, तो उसको अब ढेपा पत्थर क्यों मार रहे हैं सुशील मोदी। अच्छा। सुशील मोदी जी अब 15 साल आप जो गोबर बन, सुगर का गूं बन गए हो आप लोग, गोबर तो बोरसी में भी काम आ जाएगा सुशील मोदी, लेकिन सुगर का गूं कहाँ काम आएगा। हम लोगों ने तो कोटा में ट्रेन का पैसा जमा करा दिया सारे, आज भी दिल्ली के मजदूरों का ट्रेन भाड़ा तैयार है मेरा। अब पूरे देश में अभी तक ऊंट के मुंह में जीरा का फौरन, 5 ट्रेन मात्र बिहार जाने की अभी तक रास्ते खुले। कोरोना वायरस से भी बड़ा वायरस है और सुशील मोदी उससे भी बड़ा वायरस है। रैली के लिए पैसे होंगे, रैली के लिए 400 बस आएगा, बिहार के गरीब के लिए नहीं। पप्पू यादव जी जितना सुशील मोदी जी का वजन होगा ना जी, उतना हम नाप लीजिए, तौल लीजिए, उतना हम सवा महीने में बाय अकाउंट पेमेंट भेजें।